Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. आपसे हमने last time promise किया था कि आपके लिए बहुत ही एक अच्छा interesting topic हम लेके आएंगे. And training and professional training for pets, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. जब भी आप pet लेते हैं, चाहे आपने adopt किया है या आपने कहीं से भी लिया है, initial period में आपको training उसकी ज़रूर करानी चाहिए, so that लाइफ लॉन्ग जो एस्पेक्ट्स हैं वो आराम से कवर हो सकें और आपका पेट आपकी बात सुने. आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि योर पेट डज नॉट लिसन टू यू. सो यू नो ट्रेनिंग बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और जो इसके बेनिफिट्स हैं दे आर फार रीचिंग. कौन नहीं चाहता कि हमारे पेट्स खुश रहें, वेल एडजस्टेड रहें, ना केवल हमारी फैमिली में बल्कि सोसाइटी में भी. वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहे, वो एक्सरसाइज करें और हमारी बात सुने. एक सोसाइटी में हमको भी नाज हो हमारे पेट को लेकर के, तो ऐसे में एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है. आज हमारा, क्योंकि शो का टॉपिक यही है, इस पर हमारा डिस्कशन होगा. हम टेक अवेज निकालने की कोशिश करेंगे, आपके सवाल होंगे उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे. फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर गुरुबख्शानी, ही इज़ अ वेट कंसल्टेंट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ हैं अदनान खान, ही इज़ अ कैनाइन ट्रेनर एंड बिहेवियरिस्ट. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे एक्सपर्ट से जो कुछ भी सवाल आपको पूछने हो, आप हमसे जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532. आप इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछिए. फिलहाल संजीव आज स्टूडियो में एक बहुत ही खास कंपेनियन हमारे साथ हैं और आराम से बैठी हुई हैं ये और कैमरे की तरफ देख रही हैं. आप बताइए अदनान इनके बारे में. इनका नाम स्टेला है. ये एक रॉटवाइलर है. अब ये 7 साल की हो चुकी हैं. इनके बारे में स्पेशल ये है दैट ये शायद एक इकलौती वजह है जिसकी वजह से मैं इस लाइन ऑफ प्रोफेशन में आया हूँ. इनका खुद अपना खुद का करियर है, जो कि बहुत कम डॉग्स का अपना खुद का करियर होता है. right. तो ये नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली प्रोफेशनल थेरेपी डॉग हैं जिनके खुद के 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स रह चुके हैं. स्पेशल किड्स, ऑटिस्टिक किड्स, डिसलेक्सिक किड्स, एंड ये अभी भी जाके प्रोफेशनल थेरेपी विजिट्स स्पेशल स्कूल्स में और ओल्ड एज होम्स और मेडिकल सेंटर्स में अभी भी देती हैं. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, दैट्स वंडरफुल. मुझे लगता है अदनान आप बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और स्टेला को भी बहुत बहुत बधाई हो कि मतलब स्टेला भी इस तरीके से एक सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं. प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है, अदनान आपसे शुरुआत करूंगी. प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत हमारे पेट्स को क्यों होती है? क्योंकि कोई भी हमसे पूछ सकता है कि हम क्यों ट्रेन करें. हमारी बात तो सुनता है, खाना तो खाता है, हमारी बात मानता है, तो हम क्यों ट्रेन करें? हम जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे वो आ जाता है दौड़ करके. हमारे मतलब अमूमन काम चलाओ ट्रेनिंग तो हमने दे ही दी है, तो मगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्यों? प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अब जब ये सिनेरियो पूरा सिचुएशन जो है पेट्स को पालने का बदलता जा रहा है, जो लोग अब फाइनली अपने डॉग को अपने बच्चे की तरह समझने लगे हैं, तो मैं उसी भाषा में समझा देता हूँ कि किसी कोई भी पेरेंट की लाइफ में बच्चा आने के पहले वो दो चीज़ें उनकी डिसाइड कर लेते हैं कि ये उनका कमरा होगा, हम उनकी स्कूलिंग कैसे कराएंगे, कहाँ पे कराएंगे. और बहुत लोग तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ही दौरान एडमिशन्स करना शुरू कर देते हैं. तो मैं ये वापस सवाल पूछना चाहूँगा कि स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं? ये तो एक ऑप्शन होना चाहिए कि अच्छा बच्चा है तो स्कूल ना भेजें, मारपीट करे तभी भेजें. अब डॉग्स में ऐसा है, डॉग ट्रेनिंग में ऐसा है कि जब तक 2-3-4 साल तक उसने बहुत सारे लोगों को काट लिया या तंग नहीं किया, जब तक अपने हाथ से बिल्कुल ही निकल चुका हो,
तब उन्हें लगता है कि पढ़ाई कराना या एजुकेशन कराने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अगर आप स्कूलिंग की तरह से लेंगे कि एक स्टैंडर्ड मैंडेटरी यू नो रिक्वायरमेंट है, तो आपका डॉग लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत कंट्रीज़ में एक ऐसा लॉ है कि आपको डॉग पालने के लिए कुछ महीने सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, वरना वो आपको डॉग पालने ही नहीं देंगे। Right. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आई थिंक यू विल बी अ वेरी प्राउड पेट पेरेंट। डॉक्टर साहब, आपसे पूछूंगी कि कई बार क्या होता है, हमारे पेट्स के बड़े ही ऐसा बिहेवियर होता है जो कि अनडिज़ायरेबल होता है, चाहे वो घर को सॉइल करना हो, चाहे जितना भी उनको समझाया जाए, अग्रेशन टुवर्ड्स अदर एनिमल्स हो सकता है, रिपिंग शूज़, मतलब अग्रेशन किसी ना किसी तरीके का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर हम उनको प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं तो कितना एसेंशियल हो जाता है कि वो मतलब एक दायरे में रहें? ये तो बहुत ज़रूरी है कि पेट ट्रेंड हो, क्योंकि आजकल एक सोसाइटी में जैसे डॉग्स रहते हैं, माने एक ही बिल्डिंग में 50-50 डॉग्स हैं, अगर ट्रेंड नहीं होंगे तो सब एक दूसरे से लिफ्ट में ही लड़ना शुरू कर देंगे, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप उसको पेट को अपने एक वेटनरी क्लिनिक में भी ले जाएंगे तो वहाँ तो और भी पेशेंट्स पेट्स होते हैं, माने अगर एग्रेशन होगा, ट्रेंड नहीं होगा, तो वो हर उस पूरा एटमॉस्फेयर ही वहाँ का बदल देगा। इसके लिए ट्रेनिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल अपने पेट का करना है। आप उससे प्राउड भी फील करेंगे जब आप मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं पेट को लेके, लोग उसको देखते हैं, एंड यू शुड बी उसमें आप प्राउड फील करेंगे कि मेरा पेट ट्रेंड है। ऐसे नहीं, नॉट हर जगह सॉइल नहीं कर रहा, मतलब नहीं, आई मीन सो दिस इज व्हाट आपने भी बहुत अच्छी तरह से इसको पुट किया है कि जैसे कि हमारे बच्चे कुछ अगर एक पोएम सुना देते हैं तो हम कितना खुश जाते हैं, एंड वी फील प्राउड अबाउट दिस। सो ऐसे ही पेट की अगर हमारी बात सुन रहा है, सो वी आल्सो फील प्राउड। सो हमारे साथ कॉलर जुड़ते हुए शिखा फ्रॉम कलकत्ता। मैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पेट्स के ऊपर में एक लौता प्रोग्राम है जो मैं देखती हूँ, और तो कहीं दिखता नहीं है, बहुत अवेयरनेस स्प्रेड होती है। मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो पेट ओनर्स हैं जो अबैंडन कर देते हैं अपने पेट्स को, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा देखी हूँ कि अलग ब्रीड के डॉग रोड पे घूम रहे हैं जिन्हें अबैंडन कर दिया गया है, तो उसके ऊपर प्लीज आप लोग एक एपिसोड बनाइए जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले कि सिर्फ देखावे के चक्कर में पेट्स को ना ले आए घर और उनसे संभाल नहीं होती है तो वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। तो इस बारे में या फिर स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करने के ऊपर उन्हें इनकरेज करने के लिए ये कुछ मैसेज, इस तरह का कोई एपिसोड आप लोग प्लीज डेडिकेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शिखा, आपका सवाल बहुत ही अहमियत रखता है। एंड शो में हमेशा हमारे इतने एपिसोड्स हो गए हैं, हमेशा ये कॉन्सेंट्रेशन इस बात पे रहा है, और हम एपिसोड्स इस पे कर भी चुके हैं। एंड आई ऑलवेज से ईच वन कीप वन अडॉप्ट वन। अगर आपके पास एक ब्रीड है सो तब भी आप यू नो इफ यू हैव अ ब्रीड गेट वन ऑफ द स्ट्रीट। सो आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस, एंड हमेशा ही हम ये बात करते हैं, बट वी विल वॉन्ट टू ब्रिंग दिस अक्रॉस। BSF ने भी ले लिया है इसको अपने ऊपर, एंड दे आर टेकिंग इन पेट्स टू ट्रेन, राइट? बिल्कुल। सो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको हम एक इंडी डॉग्स की तरह बोलते हैं एज अ ब्रीड, एंड उनका एक बेसिक ट्रेट ये होता है कि जहाँ से उनको खाना मिल रहा है वो उस एरिया के लिए अपनी जान गंवाने के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो जो भी लोग अपने स्ट्रे डॉग्स, अपने घर के बाहर के डॉग्स का ध्यान रखते हैं खाने के साथ, दवाई के साथ, उसके आस पास डेंजर होना, खतरा होने का चांस अपने आप ही कम हो जाता है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी ओवर पॉपुलेशन का हम सबको मिलके उनको न्यूटर करना, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है कि एक तो जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और जो एनिमल की तरफ वायलेंस करते हैं उनको भी एक तरह से अवेयरनेस मिले कि जो मैं खाना दे रहा हूँ तो मेरे लिए ये फ्री में एक वॉचमैन और वॉच डॉग की तरह बिहेव कर रहा है, तो उनको शू करने की या उनको स्टिक मारने की या गाड़ी मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हो। और अब तो मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी ऐसे रूल्स आ गए हैं, काफ़ी सोसाइटी में भी ऐसे रूल्स हैं कि आप पेट्स के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, मतलब हर अपनी सोसाइटी के जैसे रॉ होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, तो वो भी इस चीज़ को लेकर के बहुत जागरूक हैं कि किसी भी तरह से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके साथ
मिसबिहेव ना हो, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। तो अदनान, क्योंकि हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग आज का हमारा टॉपिक है और स्टेला बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोफेशनली ट्रेंड भी है, हम शो से पहले इसके बारे में बात भी कर रहे थे, तो कितना वक्त लगा आपको इसको प्रोफेशनली ट्रेन करने में? इस सवाल को जवाब देने से पहले एक छोटा सा, मतलब मैं एक एनेक्डोट बोलना चाहूँगा कि मेरे पास ये काफ़ी सवाल आते हैं क्योंकि मैं ट्रेनिंग स्कूल चलाता हूँ कि जी कितना टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं अपने बच्चे के लिए जाके किसी स्कूल या कॉलेज में पूछूं कि जी ये कब तक डॉक्टर बन जाएगा या ये लॉयर कब तक बन जाएगा, तो उनका सवाल ये रहेगा कि जी आप 30 साल या 35 साल तक पढ़ाएंगे तब भी कोई गारंटी नहीं है, आप अच्छे से अच्छे हार्वर्ड कराइए, आप IIM कराइए, ILM कराइए, बट कोई गारंटी नहीं है कि ये टॉप नॉच लॉयर बन पाएगा। तो इसी तरह से हमें डॉग्स की भी एजुकेशन लेनी चाहिए, इनफैक्ट हमें उसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग है ये इंटर स्पीशीज ट्रेनिंग है, मतलब एक इंसान एक जानवर से बात करने की कोशिश कर रहा है। इंसानों का स्कूल है तो इंसान इंसान को समझा रहा है सेमी भाषा में, हम जैसे ट्रेनर को पहले इनकी भाषा समझनी पड़ेगी, फिर इनके जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, फिर इनके दिमाग तक समझाना पड़ेगा। तो कायदे से तो अगर एक इंसान को 30 साल लग जाते हैं कुछ समझने के लिए, तो डॉग को तो उससे भी डबल लग जाने चाहिए। अब हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम 2 से 6 से 8 महीने में आपके डॉग को इस लेवल तक का बना दें कि आप उसको सोसाइटी में, कैफेज में, सिटी, एयरपोर्ट, कहीं पे भी आराम से ले जा पाए। बट उसकी जरूरत यह भी है कि डॉग से ज्यादा मैं चाहूंगा कि हैंडलर्स और डॉग ओनर्स की एक एजुकेशन का एक अलग प्रायोरिटी रहे, बहुत अच्छी आपने तब बात वो कही। उसको कंसिस्टेंटली बढ़ा पाएंगे। आपका अपना K9 स्कूल भी है अदनान, और जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमारी टीम ने एक बहुत खास पैकेज भी तैयार किया है डॉग ट्रेनिंग के लिए। आइए नजर डालते हैं। सिक्योरिटी डॉग ट्रेनिंग इज प्राइमरली वॉट वी कॉल वर्किंग डॉग ट्रेनिंग। डोमेस्टिक और पेट डॉग ट्रेनिंग इज मोर कॉमन। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी डॉग टू हैव डोमेस्टिक डॉग एंड पेट डॉग ट्रेनिंग, विच बेसिकली मीन्स दैट द डॉग शुड ऑलवेज लिसन टू यू इन पब्लिक प्लेसेस। मेन बेसिक 4 कमांड्स लाइक कम टू मी व्हेन आई कॉल देम, सिट और लाई डाउन, स्प्रिंग डाउन, सिट, गुड, कम, बेसिक कमांड्स दे शुड लिसन टू मी इन रेस्टोरेंट्स और कैफे और पब्लिक प्लेसेस और the clinic, which means that the dog is well trained pet dog. तो सिक्योरिटी डॉग को भी ये बेसिक पेट ट्रेनिंग सबसे जरूरी, सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है। Heel. Down. उसके ऊपर से हम सिक्योरिटी डॉग्स में टैक्टिकल एंड डिफेंस सिनेरियोस की ट्रेनिंग देते हैं। Yes, कोई रॉबरी हो, कोई किसी पे हमला हो, किसी पे अटैक हो, कोई किसी को चेज करना हो, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। किसी के घर पे चोरी हुई है तो हम वहाँ पे भी सिक्योरिटी डॉग डिप्लॉय करते हैं। दैट ट्रेनिंग रिक्वायर्स फॉर अ डॉग टू बी अग्रेसिव, एजिटेटेड एंड हाई ड्राइव। अंदर से एंगर और अग्रेशन बाहर निकाल रहे हैं, उसके पहले बहुत जरूरी है कि आपका डॉग फुली अंडर कंट्रोल होना चाहिए। यू कैन नॉट स्टार्ट सिक्योरिटी ट्रेनिंग विदाउट हैविंग अ वेल ट्रेन्ड पेट डॉग। आई वुड लाइक टू टेल यू कि 95% ऑफ द पेट्स
are not right for security dogs. If you want to get a protection dog or a security dog, आप अलग से research करके सिर्फ limited 4-5 breeds और उन breeds में भी सिर्फ इंडिया में 1-2 or 3 maximum लोग हैं जो उस तरह का पपी प्रोवाइड और ब्रीड करने में स्पेशलाइज करते हैं. मजो सिट कम इजिली 2-3 साल लग जाते हैं एक फुली ट्रेन प्रोटेक्शन डॉग बनाने में. इट्स नॉट अ वन डे जॉब, सो यू हैव टू ऑलवेज अप्रोच इट इन द राइट वे. तो क्या ज़बरदस्त पैकेज था अदनान, और किस तरीके से आपने चीज़ें समझाने की कोशिश की, दैट वाज डेफिनेटली कमेंडेबल. और बहुत कुछ सीखने को है अदनान. एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, ना केवल पेट इंडस्ट्री में बट सोसाइटियल पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत ही कमेंडेबल काम है. मैं एक सवाल जो थोड़ा सा ऑफ बीट है क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ, आपको ये कब लगा कि आप क्यों आपने पेट ट्रेनिंग को चूज किया, अंदर से ऐसा क्या आपका आया ज़ील? इसकी एक थोड़ी सी अद्भुत कहानी है कि मैं बचपन से एक अपना खुद का पेट डॉग चाहता था और सिचुएशन ऐसी रही कि मतलब फैमिली में और टाइमिंग्स और ऐसा कि मेरे अलावा ज़्यादा टाइम नहीं था किसी को पालने का. तो पहले 20 साल जो मेरी लाइफ के रहे हैं वो बस इसी बात पर रोने के रहे कि मुझे डॉग कब मिलेगा, डॉग दिला दो, डॉग चाहिए. तो उसमें क्या था कि जो भी बच्चे खेलते थे, बर्थडेज में जाते थे, गाड़ियों का शौक रखते थे, मैं सिर्फ डॉग की किताब खरीदता था अपनी पॉकेट मनी से, बर्थडे गिफ्ट से. तो पहले 20 साल में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन आ गया कि जब मेरा पहला डॉग आया 20 साल की एज पे, वो एक बुल मैस्टिफ था, बहुत मुश्किल है होता है उनको ट्रेन करना. उसे मैंने एसी ऑन ऑफ करना सिखा दिया, इंग्लिश के वर्ड्स बोलना सिखा दिया. तो ये नेचुरली दूसरे लोग मुझे कहने लगे कि मुझे भी आप बताइए, मुझे भी आप हेल्प करिए. तो मैं शुरू में तो नेचुरली लोगों को हेल्प करने लगा. इतना ज़्यादा मुझे फ़ोन आने लगे, इतना ज़्यादा मुझे कॉल्स और पूरे इंडिया से आने लगे कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी ही पड़ी. और फिर मैं फुल टाइम लोगों की मदद करने लगा कैसे वो अपने डॉग के साथ परफेक्ट रिलेशन पा सकते हैं. और आज की डेट में टचवुड ऐसा हो गया था कि कुछ 2016 में ऐसा था कि मेरे पास 400-500 से ज़्यादा लोग हो गए थे कि अब मैं उनके घरों में जा जाके और फ़ोन्स कर करके नहीं मैनेज कर सकता था. तो मैंने अपना ही इंस्टीट्यूट, अपनी अकेडमी खोलने का कोशिश किया. और उसके बाद से आज तक अभी तक पूरे वर्ल्ड में मैंने 3,000-4,000 से ऊपर डॉग्स ऑलरेडी असिस्ट कर चुका हूँ, 12 कंट्रीज से ऊपर हो चुके हैं. That's commendable, quite commendable over there. Training, आपके हिसाब से जो है वो behavioral element या normal training, इसमें क्या differentiation होता है और हमारे को करानी चाहिए, ये तो essential है, किस एज से शुरू करनी चाहिए, आपका view क्या रहा है इसमें? Training तो actually उसका बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़रूरत है. आज इंडियन आर्मी में देखिए, border areas में जहाँ बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ dogs ने अभी bodies detect करी थी नीचे बर्फ के नीचे. Behavioral training या a behaviorist from a trainer, how much is that different? Because you know, एक हम guard dog training करते हैं, एक behavioral element के aspect में training करते हैं, and एक elements जो कि dog के साथ में कुछ चीज़ें सही नहीं हैं उसको fix करने के लिए. तो कई लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि ट्रेनर एंड बिहेवियर एक ही चीज़ है. What do you have to say? मैं तो कहना चाहूँगा कि एज अ प्रोफेशनल, कि अगर आप किसी को सर्च कर रहे हैं तो वो उसको डॉग को कोई भी नई चीज़ सिखाना, जिसको हम कहेंगे ट्रेनिंग, और बिहेवियर एक्सपर्ट दोनों ही सेम इंसान को होना पड़ेगा. मतलब वही एक सही तरह का, सही मायने का ट्रेनर है. अगर वो कहे कि नहीं मैं बिहेवियर के बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा बट एक खाली डॉग को, नए डॉग को कुछ नया सिखा दूंगा, तो वो तो हम घर पे यूट्यूब से भी कर सकते हैं जी. बिहेवियरिस्ट और ट्रेनर में क्या डिफरेंस है कि एक टीचर या कोच एक फ्रेश बच्चे को नई चीज़ें सिखाता है. अब बिहेवियरिस्ट हो गया एक तरह से फैमिली काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर, कि उनके माइंड में जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो समझ के पेरेंट्स को समझाए कि आपके बच्चे में ये इरिटेशन है या ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप इसको स्पोर्ट्स ज़्यादा कराइए, डांस. तो वो एक फैमिली काउंसलर हो गया एक तरह से. ये डिफरेंस हो गया कि ट्रेनर मींस टीचर या कोच एंड बिहेवियरिस्ट मींस साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या काउंसलर. वेरी परफेक्टली पुट. और मुझे लगता है कि यही रीज़न है कि क्यों हमने आज अदनान को हमारे शो पे बुलाया, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत माइन्यूट होती हैं बट बहुत ज़रूरी होती हैं समझना. अच्छा, इसी के साथ एक और बहुत ख़ास सेगमेंट है हमारा मिथ बस्टर. उसमें आज हम कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैट्स को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. आइए देखते हैं, समझते हैं और इस मिथ को बस्ट करने की कोशिश करते हैं. Cats don't need to exercise. ये एक myth है.
कैट्स को सोना बहुत अच्छा लगता है और वो दिन में 15 से 20 घंटे तक सो सकती हैं। इसीलिए इन्हें रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करवानी जरूरी है। एक्सरसाइज न करने से दे कैन गेन वेट, बिकम डिप्रेस्ड, इरिटेबल, स्क्रैच द फर्नीचर एंड फ्लोर्स एटसेट्रा। कैट्स के लिए एक्सरसाइज का मतलब है आपके साथ प्ले टाइम, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग विद रोप्स, बॉल्स, लेजर लाइट्स एटसेट्रा। एक्सरसाइज से उनकी बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ता है जो कैट के मूड, एपेटाइट, डाइजेशन और स्लीप को स्टेबलाइज करता है। तो इसे कहते हैं खेल खेल में हेल्दी होना। तो ये था खेल खेल में हेल्दी होना। संजीव, बहुत अच्छे ये जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होते हैं, हर हफ्ते हमारी टीम बैठ करके रिसर्च करके ऐसे नए नए आस्पेक्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। अदान, जो बेसिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैं एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा कि डॉग का खाना उसकी सैलरी होती है। अगर जितनी बार भी आप डॉग को खाना देते हैं एक तरह से आप उसको सैलरी दे रहे हैं। अगर आप उससे बिना कुछ भी चीज कराए आपने दे दिया तो वो पॉकेट मनी हो गई, वो फ्री सैलरी हो गई। आप दिन का 400 ग्राम अगर डॉग को दे रहे हैं तो आप उसको दिन की 400 रुपये फीस समझ सकते हैं। आप उसको 100-100 रुपये में डिवाइड करके 4 चीज़ें भी करा सकते हैं। आप उसको 1 रुपी में डिवाइड करके 400 चीज़ें भी करा सकते हैं। बट मेजरली जितने भी पेट पेरेंट्स हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वो लाड़ प्यार में वो 400 रुपए की जगह 800-850 रुपए उन्हें दिन में खाने के तौर पे दे देते हैं। देने के बाद फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तुम्हें देखो इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ दिलाते हैं, तब भी तुम हमारी बात नहीं सुनते। तो ये वो वाला सिस्टम हो गया। मैं मतलब कोई व्यूअर्स जो है बुरा ना माने बट मैं उनको एक नजरिया देना चाहूंगा कि अगर आप अपने डॉग का फीडिंग सिस्टम अपने स्टाफ का सैलरी सिस्टम जैसे रखें कि आज का काम कंप्लीट हुआ तो उनको सैलरी मिल गई, आज अगर कोई चीज गलत करी तो उनकी थोड़ी सी सैलरी कट हो गई। फूड इक्वल्स टू देयर सैलरी, एक मेरा एक सिंपल मेथडोलॉजी है जो सब लोग अपने घर पे आराम से फॉलो बहुत कर सिंपल सकते है और मुझे लगता है सभी लोगों को ये छोटी सी बात बहुत गहरी बात समझ में आ गई होगी। क्यों संजीव? वेल, ट्रेनिंग से रिलेटेड अदनान, मैं डेफिनेटली इस बात से अग्री करूंगा, लेकिन हमारे घर के बच्चों को हम क्या उस साइकिल में डाल सकते हैं? बट यस, फॉर ट्रेनिंग प्रॉबेबली आई एग्री। हमारे साथ एक ट्रेनर शायद एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका कॉल पहले ले लेते हैं। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैम, एक्चुअली आई वांट टू नो, आई हैव अ लोकल ब्रीड पेट इन माय हाउस बट ये हमें ही काटता है। इसके बिहेवियर आई डोंट नो व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक दैट समटाइम्स। I just want to know what is the reason behind that. Breed क्या बताया आपने? Local. Local मतलब इंडी है। और क्या उम्र क्या है उसका? 2 years. 2 साल से आपके पास है या आपने अभी adopt किया है? नहीं नहीं, by birth वो हमारे पास ही था। By birth. So that's a very good question for you. इसका जवाब देने मुझे 2 मिनट लग सकते हैं, थोड़ा सा लेंथ में दूंगा मैं। तो एक तो आपका जो स्ट्रे डॉग है उनका नेचुरल जो इम्पल्स रहता है वो सड़क पे घूमना और अपना खाना खुद से ढूंढना और अपने खाने के लिए लड़ना। बट जब वो अब घर पे आ गया है तो उसकी जो फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज है वो सिर्फ 10% मिल पा रही है, तो उसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। खाना उनको मुफ्त में मिल रहा है, कोई भी फूड इक्वल्स टू सैलरी जो था वो अभी आप दे नहीं रहे हैं, तो उनको एक तरह से बाहर घूमने को भी नहीं मिल रहा, फ्री में पॉकेट मनी, फ्री में सैलरी भी मिल रही है। तो वो उसी तरह का बिगड़ा हुआ, अगर आप इंसान समझें कि जो एक 18 साल का या 20 साल का है उसको हम महीने का 50,000 1,00,000 पॉकेट मनी भी दे देते हैं, बाहर भी नहीं जाने देते, तो वो घर वालों पे वो भी भड़केगा एक तरह से। तो आपको सबसे पहले अपना रोड पे वॉक्स बढ़ाइए, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज बढ़ाइए। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर या बिहेवियर कंसल्टेंट को से गाइडेंस लेनी सबसे एडवाइजेबल है। ऑनलाइन आपको थोड़ी ही टिप्स मिल सकती हैं, जितना जल्दी आप इस सिचुएशन को एड्रेस करेंगे उतना बेटर रहेगा। मेंटल एक्सरसाइज के बारे में जो अदनान आपने मेंशन किया, ये मेंटल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? मेंटल एक्सरसाइज एक तरह से अगर स्ट्रे डॉग हुआ तो मैं अगर सड़क पे बताऊं तो स्ट्रे डॉग को अपना नाश्ता ढूंढने के लिए भी कम से कम 2 किलोमीटर घूमना पड़ता है, 2-3 घंटे नाक लगा के कूड़े में और हर जगह सूंघते रहना पड़ता है कि क्या मेरा खाना है क्या मेरा नहीं है। तो क्या हो गया? मूवमेंट प्लस स्निफिंग। तीसरी चीज क्या हो गई कि अपने खाने के लिए अपने भाई बहन से भी लड़ना पड़ता है, अपने मम्मी पापा से भी, सड़क पे भी। अगर उसको गाड़ी ने थोड़ा मार भी दिया वो लंगड़ाता हुआ भी अपना खाना ढूंढने का, इतनी उसके अंदर सहनशीलता है। तो अगर इतना सब कुछ करके उसको एक ब्रेकफास्ट मिलता है, अब वही डॉग घर पे आ जाए, सो के उठे, किचन के बाहर खड़े हो जाए, पूंछ हिलाए और उसको 10 गुना ज्यादा खाना मिल जाए, exactly. तो उसकी माइंड की एक्सरसाइज हुई नहीं है। सो एक्सरसाइज इज अ मस्ट, लॉन्ग वॉक्स एंड देन ऑब्वियसली किसी को आप कंसल्ट कर सकते हैं।
अदनान को भी कंसल्ट कर सकते हैं राइट देयर. वी हैव अ कॉलर विद अस. जी मुंबई से हमारे पास एक कॉलर हैं. जी अपना सवाल पूछिए. जी मैम मेरा एक फीमेल डॉग है अपना गोल्डन रिट्रीवर. सुन रहे हैं? जी बोलिए. प्रॉब्लम मई महीने में आपको कॉल किया था, मिस कैरेज हो गया था, बट मैं अभी मीटिंग नहीं कराना चाहता फ्यूचर में, कभी भी नहीं कराना चाहता हूँ. मुझे मेरा फीमेल का लाइफ देखना है, तो ये कंपलसरी है मीटिंग कराना चाहिए या नहीं करेगा तो भी चलेगा. चलिए थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा फोन किया एंड इस बात को आप फॉलो अप कर रहे हैं. दैट शोज द लव फॉर योर पेट. देखिए मेटिंग कराना जरूरी नहीं है. अगर इन्फेक्शन कुछ भी है तो आप उसको जरूर एक डॉक्टर को दिखा के आप दूर कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गेट द मेटिंग डन. डॉक्टर आप क्या बोलेंगे? इट इज नॉट नेसेसरी बट आई थिंक इट्स एसेंशियल टुडे मेटिंग, बिकॉज वो भी एक उनकी नीड है, वो भी उनकी एक रिक्वायरमेंट है. जी. आप किसी को किसी चीज से डिप्राइव नहीं कर सकते. नॉर्मल लाइफ साइकिल जो होती है वो जरूरी है. जरूरी मतलब आप किसी चीज को डिप्राइव करना ठीक नहीं समझते. राइट. इसी के साथ हमारे पास एक मेल है, आप ही ऑडियंस से उस सवाल को ले लेते हैं और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे ये सवाल आ रहा है. Hi, I am Aryan Tomar. My dog is very aggressive in some situation, like when he is sleeping, he bites his own family members. In this particular case, while he is sleeping, if at all कोई अगर हाथ लगा देता है तो एकदम से वो bite करता है. What's your one line answer on that? एक लाइन में मैं ये बताऊंगा कि कोई भी जानवर हो, दुनिया में कोई भी जानवर हो, जब वो सोते हैं तो उनकी स्लीप सिर्फ तभी डिस्टर्ब होती है जब उनको कोई और बड़ा जानवर मारने वाला होता है. तो अगर उनको बीच नींद में उठा दिया जाए तो उनका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है कि इससे पहले वो मुझे मार दें मैं अपना डिफेंड करता हूँ. Exactly. तो चाहे बंदर हो, चूहा हो, सांप हो, कौवा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अगर बीच नींद से उन्हें हमने डिस्टर्ब किया है तो उनका एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है. बिल्कुल. सो इस केस में भी आप ये बोलेंगे कि एक्सरसाइज योर पेट प्रॉपर्ली. तो जिस तरीके के एक्सरसाइजेस है, थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्ट भी करना होगा, बात भी करनी होगी. इसीलिए बिहेवियरिस्ट होते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर पाते हैं, समझा पाते हैं और आगे का रास्ता दिखा पाते हैं. वेल विद दैट इट्स अ रैप ऑन दिस शो. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग टू आवर शो. थैंक यू सो मच अदनान. इट वॉज वेरी इंसाइटफुल टॉकिंग टू यू. अ वंडरफुल discussion with you. Thank you so much Sanjeev for being such a wonderful co-host. और हमारे व्यूअर्स से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार हम तक पहुंचाते हैं. अगर कोई फीडबैक या सजेशन हो वो भी आप हमें भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com. अगले हफ्ते आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके. सारे ही टॉपिक्स पेट्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग ही रहते हैं. टिल देन लिव लाइफ, लव एंड रिस्पेक्ट पेट्स एंड एनिमल्स. बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever.